और बैक साइड पे मिट्टी के तंदूर बने हुए। अब चाय के साथ सोन हलवा। सामने वो खेमे लगे हुए और बड़े देसी सा माहौल। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह बखैर, आज हमारा मुल्तान में दूसरा दिन है और सुबह के 8 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया। हमारा आज का दिन फिर सफर में गुजरने वाला है। नाश्ता हमारे सामने आ गया है और नाश्ता करने के बाद हम जो है वो अपने वापस गाँव की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ गाँव को मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन मुल्तान मुल्तान है, जैसे लाहौर लाहौर। गाँव का अपना मज़ा है और शहर की अपनी रौनकें हैं, लेकिन पहले नाश्ता आ गया तो इसको इंतज़ार नहीं करवाते। आज हमारे नाश्ते में है पराठा, यहाँ पे है मिक्स सब्ज़ी, और मेरे देसी पन का ख्याल करते हुए देसी घी और शक्कर, साथ में रायता, और यहाँ पर है जी फिश फ्राई करते हैं और नाश्ता करते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि जल्दी जल्दी हमें निकलना है। सुबह के 11 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं मुल्तान से अपने घर की तरफ। के 12 बज गए हैं और मुल्तान से लाहौर रोड पर जाते हुए रास्ते में हम एक होटल पर रुके हैं। नाश्ता सुबह सुबह हमने घर से किया था, लेकिन चाय नहीं पी थी तो सोचा यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया जाए और चाय पी जाए। माशाल्लाह इस रेस्टोरेंट का भी सीटिंग बहुत ही अच्छी है। सामने वो खेमे लगे हुए हैं और बड़ा एक देसी सा माहौल है। बाहर ही ठीक है, अंदर वो सामने वाले ऐसे विजिट कर लेते हैं, अंदर बैठने धूप सही है। ये बाहर बैठने के लिए जगह है और अंदर बैठने के लिए इन्होंने छोटे छोटे हट बनाई हुई हैं और बहुत ही प्यारी हैं ये माशाल्लाह। ये फैमिली पूरा हाल एक बना हुआ है। चाय का ऑर्डर हमने दे दिया है और थोड़ा सा रेस्टोरेंट जो है वो घूमने फिरने के लिए हम साइड पे निकल आए हैं। ये रेस्टोरेंट थोड़ा और पार्क ज़्यादा लग रहा है, और एक बार पहले भी यहाँ पर मैं आया था तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा शेर देखा था, तो मैंने उनसे पूछा है कि यहाँ पर आपके पास एक शेर है, तो वो कहते हैं वो बड़ा तो अब नहीं है, एक छोटा शेर है। तो शेर देखने के लिए जा रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ, और भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा परिंदे। ये बिल्कुल पार्क की तरह लग रहा है और चिड़ियाघर भी, तो देखते हैं। झूले लेने यहाँ पर एक शेर हुआ करता था जो कि अब नजर नहीं आ रहा। लेकिन परिंदे हैं, परिंदे और शेर एक साथ तो रह नहीं सकते। मोर उस साइड पे जाके देखते हैं। वो पड़ा हुआ है, शेर भी इधर ही है, और ये अजीब बात है, जहाँ परिंदे हैं वहीं शेर। ये कबूतरों का दम घुट जाता होगा शेर को देख देख के। और ये है जी मोर, गहरी नींद शेर है, लेकिन कुत्ते जैसी नींद सो रहा है। इतना बार, इतनी बार हमने इसको आवाज़ दी है, उठ नहीं रहा, नहीं उठ रहा। अब देखा है इसने शेर को जगा जगा के, हम थक गए लेकिन शेर को उसकी नींद जो है ना वो नहीं खुली। आए बैठे नहीं, एक ही साइड में बंदा बिठा दे। और मुर्गे भी रखे हुए हैं,
सुबह नाश्ता तो हमने टिका के किया था, लेकिन फिर भी मैं चाय के साथ कुछ मंगवाने लगा था, तो बाद में मुझे पता चला कि ससुराल की तरफ से एक गिफ्ट मिला है और कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। इसमें है क्या वो देखते हैं। इसमें है हमारे पास स्पेशल मुल्तानी सोन हलवा, और घर नहीं पहुंचेगा ये। वो कहते हैं ना, खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, और इसमें वैसे मेरा हिस्सा भी है, सिर्फ घर वालों का हिस्सा नहीं है। और पसंदीदा चीज़ को तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। हर काम में मैं सब्र कर सकता हूँ, लेकिन पसंदीदा खाना सामने पड़ा हो तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। खुल ही नहीं रहा। कैसा है ये? हमें गिफ्ट में साथ मिला है अखरोटी सोन हलवा, जो कि मुल्तान का बहुत ही मशहूर है, और हम ट्राई कर लेते हैं। मेरा हिस्सा मैंने साइड से करके दे छोड़ो। बिस्मिल्लाह। और हमारी इलायची वाली स्पेशल चाय हमारे पास आ चुकी है, और इंतज़ार नहीं करवाते, और मैंने अपने हिस्से का सोन हलवा भी ले लिया है, और अब चाय के साथ सोन हलवा मज़ा आ जाएगा। चाय पी है और हाफ घंटा यहाँ पर हमने स्टे किया है, और रेस्ट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। लाल हवेली अच्छी है। लाल हवेली का नाम सुन के तो बड़ा एक भूत वाला करेक्टर माइंड में आता है, जैसे कोई भूत बंगला होगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल देसी। ये हमारी बाइक हमारा इंतज़ार कर रही है कुछ इस तरह से। अब की बार सामान बहुत ही अच्छा लोड हुआ है। दिन के 2 बज गए हैं और मियाँ चुनू बाकी सिर्फ 10 किलोमीटर रह गए हैं, और हम एक जगह पर रुके हैं। यहाँ पर हमें कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें नज़र आई, और क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, हमने मिट्टी के बर्तन लेने भी थे और सोचा आपको भी दिखा दें। यहाँ से शुरू करते हैं। ऊँट इतने प्यारे हैं। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने भी हैं और बर्तन भी। मुझे तो ये कप चाहिए था मिट्टी का। इतनी प्यारी गुड़िया है और साथ में एक कपल है। इस साइड पे गुलदान है, उसके ऊपर शीशे का काम किया गया है, और इतने प्यारे हैं माशाल्लाह ये, और ये सारे हाथ से बनाए गए हैं मिट्टी के साथ। बाइक हमारी थोड़ा सा आराम कर रही है और हम भी आराम कर रहे हैं, और इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कूलर बनाए गए हैं, ये भी मिट्टी के ही, और नीचे इनको टूटी लगी हुई है, ऊपर वाली गोश्त कढ़ाई। अच्छा है, गोश्त कढ़ाई है, माशाल्लाह। ये कुनिया है, हांडी जिसे हम कहते हैं, हमारी जबान में से कुन्नी कहते हैं, और पहले इसमें सालन बनता था, और इसमें बने हुए सालन का जायका जो है वो कमाल का हुआ करता था। और बैक साइड पे मिट्टी के तंदूर बने हुए, हमारे तो लगा हुआ है ना तंदूर माशाल्लाह। सामने एक बच्चा बैठा, ये काम भी कर रहा है, अपनी शॉप पे भी बैठा हुआ है, और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। ये है पाकिस्तान। इतने प्यारे मिट्टी के बर्तनों में से हमने भी कुछ शॉपिंग की है, और
मैंने अपने चाय के लिए कप लिया मिट्टी का और कुछ ग्लास लिए हैं। तो चलते हैं अब हम अपने सफ़र की तरफ। सफ़र तो बाकी बस थोड़ा सा ही रह गया है, बस अब घर ही पहुँचना है। ये ऊँट ले लेते लेकिन है बहुत बड़ा। ये यहाँ पर रोड के किनारे ही एक चाचा जान ने ये अपनी दुकान बनाई हुई है, खुद ही ये बर्तन बनाते हैं और ख़ुद ही यहाँ पर बैठ के सेल कर। यहाँ पर चाचा जान ने अपना हुक्का और चारपाई लगाई हुई है, यहीं पर बैठते हैं और सारा दिन जो है ना अपनी दुकान चलाते। दो बजकर 40 मिनट और हम पहुंचे हैं अपने शहर वाले घर। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं सलाम करते थे ना, इधर है सारे। दिन के 3 बज गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर ऑफिस से वापस घर आ गए और हमारा मुल्तान का टूर बहुत ही अच्छा रहा। आते ही थोड़ा सा फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए क्योंकि मिट्टी हुए थे और अभी जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता हूँ। आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।